अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आप सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज इस बहुत ही खूबसूरत ईद के मौके पर हम बनाएंगे शाही टुकड़े। शाही टुकड़े जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा तो ये वाकई में शाही टुकड़े ही हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी और जो पुरानी दिल्ली की मशहूर शाही टुकड़े हैं, आज उसे हम अपने घर में तैयार करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ मैंने 8 ब्रेड की स्लाइस लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको बनाना है आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो ब्रेड के किनारे होते हैं इसे हम हल्का हल्का से काट कर अलग कर लेंगे। और हम जिस तरह सैंडविच बनाते हैं उस तरह इसके बीच से हम कट करके इसे अलग कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से काटिए, जैसे आपको सादा पूरा ऐसा आपको रखना है तो पूरा भी आप रख सकते हो, बीच से एक कट करके सादा रख सकते हो। तो यहाँ सारे ब्रेड को हमने अच्छी तरह से कट करके रख लिया। और ये देखिए, ये जो किनारे निकले हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें जार में थोड़ा सा चॉप कर लेंगे तो इसके ब्रेड क्रम्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे। और सारे हमने ब्रेड को इस तरह से कट लगा के रख लिया है। अब यहाँ हमने एक पैन रखा चूल्हे पर और इसमें हम डाल देंगे घी। हमें घी में इसे फ्राई करना है, शाही टुकड़े हैं तो शाही अंदाज में बनाएंगे। तो हमने घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब इसमें हम ब्रेड के पीसेस को डाल देंगे और इसे हम मीडियम आंच पर बिल्कुल हल्का हल्का सा सारी तरफ से, ये हमारे ब्रेड जब फ्राई हो जाएंगे तो हमें निकाल लेना है। तो इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है हर तरफ से, कहीं ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए और कहीं कम रहे। बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई जब हो जाएंगे तब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम निकाल लेंगे, ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, सारे ब्रेड के पीसेस को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक का फ्राई करके रख लिया है। अब यहाँ पर हमने पैन रख दिया और पैन में हम डालेंगे दूध। 1 कप दूध हमने डाला और 1/2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो दूध की हम चाशनी बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर डाल दें। शक्कर को डालने के बाद हमें इसे कुछ टाइम तक पकाना है, कोई हमें गाढ़ा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, बस शक्कर मेल्ट हो जाए तब तक के हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसमें मैं ज़रा सा ये केसरी फूड कलर डाल रही हूँ, यह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब हमारे शाही टुकड़े बहुत अच्छे से एक कलर लगता है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच नारियल का पाउडर और इसे भी डालकर हम कुछ वक्त के लिए पका लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ सके और जो नारियल हमने डाला है वो भी साथ में थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से हमारे दूध की चाशनी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। तो हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हमने क्या करना है कि गरम गरम ही ये करना है कि हमारे जो ब्रेड के पीसेस हैं इसमें हम डालते जाएंगे। डालकर हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसमें रख छोड़ना है ताकि जो इसका जूस है वो हमारे ब्रेड में अच्छी तरह से सोख जाए। तो कुछ वक्त के लिए हम इसे छोड़ देंगे।
अब हमने क्या करना है, एक डिश लेना है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, थाला ले सकते हो, तो आप सिंगल सिंगल भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह के ब्रेड के एक पीसेस को रखूँगी और इसी पे हम सेट करेंगे। तो सारे हमारे ब्रेड के पीसेस को हमें इस पर सेट करना है। मैं इस पर एक रख दूँगी ताकि जो भी इसका जूस हो वो एक पर नीचे तक इसका एकदम अच्छी तरह से हमारे शाही टुकड़ों में भर जाए। तो इसे मैं इस तरह एक पे एक रख के इसे कवर करूँगी और सारे ब्रेड के पीसेस को हमें इसी तरह से लगा लेना है तय। और ये काफ़ी जूस को सोख चुके थे। और ये देखिए मैं जो बचा हुआ है इसका सिरप, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये सारा हमने सेट कर कर यहाँ पर रख दिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 2 कप दूध। तकरीबन 1/2 लीटर हमने दूध का इस्तेमाल किया है। और इसके हम तैयार करेंगे रबड़ी और इसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच शक्कर के। आप अपने पसंद के हिसाब से मीठा रख सकते हो, जितना आपको पसंद हो। और इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 पिंच ज़ाफ़रान के डाल दूँगे। इससे एक तो कलर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसे हमें कंटिन्यू चम्मच को हिलाते रहना है ताकि हमारी जो मलाई हो वो आती रहे और नीचे दूध हमारा लगे ना और सारा मिक्स होता रहे। कुछ वक्त तक हमें पकाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये दूध की मलाई मैंने 1/2 कप लिया। अगर आपके पास फ्रेश मलाई हो तो ठीक है, फ्रेश क्रीम, वरना हम जिस तरह मैंने यहाँ पर अपने घर की मलाई लिया आप इसमें डाल सकते हो। इससे बहुत ही क्रीमी सा हमारे शाही टुकड़े तैयार होंगे और साथ में हम इसे मिक्स करते रहेंगे। और फिर इसमें हम कुछ नट्स हैं, बादाम, पिस्ता और काजू हमने काट के रखा है, तो इसमें हम अच्छा खूब सारा डाल देंगे, जितना आपको पसंद है और जितना आपको ये जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है आप डाल सकते हो। तो अच्छी तरह से हमें पका लेना है ताकि दूध हमारा गाढ़ा सा हो जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ हमने एक छोटी सी कटोरी लिया, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसे दूध कंटिन्यू पकाते रहें बिल्कुल गाढ़ा कर दें, या फिर आपको मेरी तरह फटाफट से तैयार करना हो तो ये लॉजिक इस्तेमाल करें। जो कॉर्नफ्लावर हमने घोल बनाया है ये हम इसमें डाल देंगे। तो इससे बहुत ही फटाफट से हमारे दूध गाढ़ा होने लगता है, फटाफट से गाढ़ा होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे, 200 ग्राम तक मेरे पास मावा है तो मैं इसमें कम से कम 150 ग्राम के करीब डालूँगी। बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, जितना हमने इसमें मावा डालेंगे उतनी ही हमारी रबड़ी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो हमने इसमें अच्छा सा डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रबड़ी तैयार है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े की गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार है। अब इसमें हम आखिरी मोमेंट पे हम डाल देंगे रोज़ एसेंस। आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी क्रीमी हमारी ये रबड़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने क्या करना है, ब्रेड के पीसेस पे सारी रबड़ी को अच्छी तरह से डालते जाना है। अच्छी तरह से हमें इसे कवर कर देना है, पूरा ये अच्छी तरह से डीप हो जाए, इसे हम सारी रबड़ी इसमें डाल देंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की ये शाही टुकड़े हमारे तैयार होते। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और ईद है, ईद के मौके पर आप इसे ज़रूर बनाइए। आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी
और आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तो आप इसे इस तरह बनाएं और अपने दोस्तों में, अभी तो लॉकडाउन है आ नहीं सकते, तो आप उसे शेयर कीजिए रेसिपी। तो ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है। अब इसे हमने रख देना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह से ठंडा ठंडा सा और बिल्कुल सेट हो जाए, फिर इसे हम इंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ट्राई ज़रूर करें। तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।